गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम। आई होप दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग नाउ। Now students, open your book on page number 3. We are going to discuss about you are special. So students, it was sports day. Sana was nervous. Sports day tha beta, Sana thodi si nervous thi. Gurpreet always won all the races, but Sana wanted to win this time. Gurpreet beta hamesha races sari jeet jati thi, par is bar kya tha, Sana jeet na jati thi. That is because Imran uncle, her favorite uncle, would be कमिंग टू द स्कूल विद हर पेरेंट्स। ये ऐसा इसलिए था बेटा क्योंकि उसके फेवरेट जो इमरान अंकल थे वो उनके पापा के मम्मा पापा के साथ आने वाले थे स्कूल में। वैन द स्पोर्ट्स सर सेट गो, सना रैन एज फास्ट एज शी कुड। जब बेटा उनके सर ने स्पोर्ट्स सर ने गो बोला, सना जितना तेज़ी से भाग सकती थी उतना तेज़ी से भागी। But as always, Gurpreet got first prize. But हमेशा की तरह Gurpreet को क्या मिला बेटा, first prize मिला। Sana could not even come second or third. She was very sad. Sana बेटा ना first आई ना second आई ना third आई, इसलिए वो बहुत sad थी। When Sana's parents and Imran uncle came to meet her, she was very upset. बेटा जब उसके सना के पेरेंट्स और उसके अंकल उसको मिलने के लिए आए, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। इमरान अंकल क्लैप्ड एंड सेड यू रेन वेरी फास्ट गुड गर्ल। इमरान अंकल ने क्लैपिंग की और बोला कि तुम बहुत अच्छे से भागी और बहुत अच्छी गर्ल हो। बट आई डिडंट विन अ प्राइज, सेड सना। सना ने बोला पर मैं तो कोई प्राइज़ जीती नहीं हूँ। यू डिड योर बेस्ट एंड दैट मेक्स यू स्पेशल, ही सेड। तो अंकल ने क्या बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया, जितना तुम कर सकती थी तुमने बहुत अच्छा किया, इसलिए ये तुम्हें क्या बनाता है, ये तुम्हें स्पेशल बनाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मूव टू नेक्स्ट पेज। मम्मी सेड वी आर प्राउड ऑफ यू। पापा सेड इफ़ यू कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ट्राइंग यू विल विन अ प्राइज समडे। इसमें बेटा मम्मा क्या बोल रहे हैं कि मम्मा कहते हैं कि मुझे तुम पे गर्व है, और पापा कहते अगर तुम ऐसे ही अपना बेस्ट दोगे और हमेशा ट्राई करोगे, यू विल डेफिनेटली विन अ प्राइज। तुम एक दिन क्या करोगे, प्राइज जीत जाओगे। इट मे नॉट बी फॉर वनिंग बट यू विल डेफिनेटली विन अ प्राइज फॉर सम टाइम। क्या है, ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि हो सकता है रनिंग के लिए ही मिले, पर ये है कि तुम पक्का कभी ना कभी एक प्राइज़ ज़रूर जीतोगी। सना फेल्ट बेटर, सना को ठीक फील हुआ। अंकल सेड आई विल बाय यू अ बनाना फ्लेवर्ड मिल्क शेक। अंकल ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए बनाना फ्लेवर्ड मिल्क शेक लेता हूँ। दैट इज़ योर प्राइज़ बिकॉज यू डिड योर बेस्ट। ये तुम्हारा प्राइज़ है क्योंकि तुमने बहुत अच्छा किया। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट टू वेज इन विच यू आर स्पेशल बिकॉज यू डू योर बेस्ट। ठीक है, आपको वो चीज़ लिखनी है जिनमें आप स्पेशल हो, जो आप अपने आप से बहुत अच्छे कर सकते हो। ठीक है, देन आप ब्रशिंग टीथ लिख सकते हो, टेकिंग बेथ लिख सकते हो, आप वेयरिंग क्लोथ्स लिख सकते हो। ठीक है, ईटिंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऐसा कुछ लिख सकते हो, जिन काम में आप बहुत अच्छे हो, यू कैन राइट दोज थिंग्स। राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट स्टूडेंट्स। नाउ बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम।